हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस डे टू पे जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट डे पर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट डे पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था और गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था। ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे, बस बेसिकली ये पढ़ा था कि गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई भी न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल एज वेल एज कैपिटल लेके आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर। जो भी ओल्ड पार्टनर है उनके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं खुद से ही कि ए एंड बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है, ठीक है। अब इन्होंने सी को एडमिट किया है फॉर 1/3 शेयर। सी अपने शेयर की कैपिटल लेके आता है 50,000 एज वेल एज गुडविल लेके आता है 20,000, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द प्रॉफिट। सिंपल सिचुएशन का है ये। रिमेनिंग देखेंगे कितना बचा, 1 - 1/3 कर दीजिए, कितना बचेगा 2/3। अब यहां पर हम लोग एनपीएसआर देख लेंगे, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम ए की बात करें तो ए कितना है 3/5 और इनको इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। फिर 2/5 है इनको, सी का देखेंगे तो सी का है आपका 1/3। यहां अगर आप देखेंगे तो 6/15 आएगा, ये 4/15 आएगा और यहां पर हम 15 लाने के लिए 5 से न्यूमरेटर और 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 15 चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो गया 5/15, ये सब इक्वल है, जिसका मतलब क्या हो गया 6:4:5, ये आपका क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होता है। तो उसके लिए हमें सन याद करने की जरूरत है। सन मतलब एस फॉर सैक्रिफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू। चलिए ए के लिए हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए, तो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का अगर हम शेयर देखें तो 3/5 है और ये 6/15, 15 एलसीएम ले लीजिए तो ये 9 - 6 आ जाएगा 3/15। बी के लिए अगर हम बात करें, बी के केस में 4/15 न्यू रेशियो है, ठीक है। न्यू रेशियो स्टूडेंट जहां से आएगा, ये जो भी कैलकुलेट किया था, कंफ्यूज मत होइएगा। सी का नहीं निकालेंगे, सी का इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। तो 3:2 जो है आपका, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। आइए अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की, कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बार चाहिए तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से, स्टूडेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा से क्वेश्चन आता ही आता है जनरली पेपर में। सबसे पहले हम जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे कैश कैपिटल और गुडविल लाने की, कैश की एंट्री होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 50,000 है और ये 20,000, कितना हो गया 70,000। आप यही गुडविल जो है प्रीमियम फॉर गुडविल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि इनके पार्टनर्स के अकाउंट में ये क्रेडिट होती है तो इसलिए इसको यहां पर क्रेडिट कर देंगे। 20,000 है। अब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकाला था वो कितना आया था, जितना ओल्ड था। सिंपल सिचुएशन में जितना ओल्ड रेशियो होता है उतना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आता है, ठीक है। अगर एक्वायर वाली सिचुएशन है तो इन डार्क केस तो अलग होगा, अगर ऐसी सिंपल सिचुएशन है जहां लेग करने वाला है तो वहां पर आपका एक ही आता है, ठीक है। तो 20,000 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 3/5 में और 2/5 में, तो कितना आ जाएगा
12 और 8000, ठीक है, ये जनरल एंट्री होती है। इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग इवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हाँ ये आगे काम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, बेसिकली जब न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो इन दैट केस हम जो भी असेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूएट होती है, ऑब्वियसली सभी को पता है हमारी असेट्स जो भी होती है उनके प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं, तो यहां पर भी हम रिवैल्यूएशन के बारे में देखते हैं, यानी रिवैल्यूएट जो भी चीजें होती है उसी चीज के प्रॉफिट और लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ट्रीटमेंट होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक आप इसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा और अगर जो भी प्रॉब्लम्स या जो कुछ भी होती है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। बाय बाय।